खम्मा घणी अभी है हम जयपुर की चौकी ढाणी में। ये मेन सिटी से कुछ 15 किलोमीटर दूर है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर चौकी ढाणी दैट वॉज बिल्ट एंड और भी लोकेशन पर है बट इसकी वाइब इज क्वाइट अनमैचेबल। चलते हैं अंदर टिकट लेते हैं। अंदर आते ही हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ एंड एज यू कैन सी यहाँ पर सारी आइटम्स जो है अंदर खाने में वो सारी मेंशन्ड है और बाहर की जो सारी एक्टिविटीज़ है और खाना है उसके चार्जेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो द टिकट प्राइस इज़ 900 रुपीज़ जिसमें खाना इंक्लूडेड है। अब मुझे थोड़ा ये ओवर प्राइस लग रहा है बट लेट्स फाइंड आउट इफ़ इट्स वर्थ और नॉट। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी उस दिन तो हम लोग सबसे पहले गए यहाँ का जो जलजीरा काउंटर है वहाँ पर जलजीरा ट्राई करने। दिस इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट तो इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। अंदर आते ही यहाँ पर बहुत अच्छी विलेज वाइब्स आ रही थी। डेकोरेशन, खटिया, म्यूज़िक, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी यहाँ पर। हमने मैजिक शो देखा और फिर यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ से पूरी चौकी ढाणी दिखती है तो हम लोग वहाँ गए। इसके बाद गए हम बोटिंग करने। बोटिंग का चार्जेस है 20 रुपीज़ पर पर्सन और साथ में यहाँ पर कैमल राइड, एलिफेंट राइड, बुलेट कार्ट राइड वो सब भी है और सबके भी चार्जेस 20 रुपीज़ पर पर्सन ही है। चार्जेस आर वेरी नॉमिनल कंपेरेटिवली एंड अगर बच्चों को लेके आएंगे साथ में तो उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर पपेट शो भी चल रहा था एंड देन देयर वाज मेहंदी आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर पुटिंग मेहंदी एक हाथ में। फिर एक चाट कॉर्नर भी बनाया हुआ है जहाँ पर पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी मिल रही थी। वी ट्राइड पानी पूरी और फिर गर्मी की वजह से हमें मटका कुल्फी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी तो वो ट्राई किया हमने। यहाँ पर छोटी छोटी गेम्स भी है जो हम मेले में जाके खेलते थे वैसी वाली गेम्स है यहाँ पर। फिर एक छोटा सा भूल भुलैया भी बनाया हुआ है। छोटी सी एक गुफा भी बनाई हुई है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर जो हल्दी घाटी का बैटल हुआ था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा बैटल मॉडल्स के थ्रू समझाया हुआ है एंड देयर इज़ आल्सो एन ऑडियो प्लेइंग जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। रियली नाइस, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है बैटल। फिर यहाँ पर एक फार्मिंग वाला सेक्शन भी है जहाँ पर उन्होंने फार्मिंग किया हुआ है वो भी देख सकते हैं। साथ में थोड़ा सनसेट हो रहा था तो यहाँ पर उन्होंने डांस भी चालू कर दिया था। सो देयर वाज अ डांस प्रोग्राम हैपनिंग एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड हम भी उनके साथ ज्वाइन करके डांस कर सकते हैं। मंदिर भी बनाया हुआ है यहाँ पर एंड 7:30 और 9:30 को आरती भी होती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो भी देखने जा सकते हैं। यहाँ पर कलाग्राम करके एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है हैंडीक्राफ्ट्स की, जैसे लाख की चूड़ियाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग, जयपुर के फेमस ब्लू कलर के यूटेंसिल्स, कुर्तीज, ड्रेसेस, जूतीज, बहुत सारी दुकानें हैं।
उसके बाद हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हम लोग चले गए खाने। खाने में यहाँ पर नीचे बैठ के खाना है और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए स्टूल्स भी थी। रोटी, मक्के की रोटी, चूरमा, चटनी, खैर सांगरी, पाल, लहसुन की चटनी, कढ़ी, पनीर की सब्जी, गट्टा, आलू की सब्जी, सलाद, दाल। बहुत सारी वैरायटी थी खाने में। देयर वाज पापड़, जलेबी, ऐसी ऐसी भी चीज़ें थी जो अभी वीडियो में नहीं है बट बाद में दी थी उन्होंने। देयर वाज दाल बाटी, चूरमा, बहुत सारी चीज़ें थी। जलेबी और छाछ वेर अमेजिंग, वो बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत पेट भर के खाना खा लिया था हमने, इतना फुल हो गए थे ना हम लोग कि हमने सोचा अब तो वॉक करने जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नेशनल म्यूजियम बनाया हुआ है जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के घर हैं एंड इनसाइड एवरी हाउस इंटीरियर वैसे बनाया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। सो, अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक हाउस बोट बनाई हुई है एंड हाउस बोट में आप देख सकते हैं कि वहाँ का इंटीरियर कैसा होगा। वैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र का, केरला का, सिक्किम का, गुजरात का, अलग अलग स्टेट्स के हाउसेस बनाए हुए हैं। इट वॉज रियली प्रिटी। साथ में देयर इज ऑल्सो डॉल म्यूजियम, सो वो भी देख सकते हैं आप। एंड देन वी थॉट कि एक बार पॉटरी ट्राई करते हैं। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन पॉटरी, तो वो किया हमने एंड आई थिंक इट टर्न आउट प्रीटी गुड। तो ये था आज का वीडियो। चौकीडानी का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। खाना भी यहाँ पर वैरायटी भी बहुत सारी है। आप खाते खाते थक जाएंगे बट ये लोग खिलाते खिलाते नहीं थकते हैं, बहुत प्यार से खाना सर्व करते हैं एंड बहुत अच्छा लगा हमें। वी वुड रेकमेंड कि जब ये चालू होता है अराउंड 5:30 तभी आ जाए, क्योंकि यहाँ खाने से पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए एंड एवरीथिंग इज़ रियली नाइस। खाना खाने के बाद में भी यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है तो तब भी ये जगह बहुत अच्छी लगती है। सो कीप दैट टाइम इन माइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।